रामलीला मैदान पर आज रावण लीला कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं आज कांग्रेस का हाथ आम आदमी, किसान और खुदरा व्यापारी के साथ नहीं, कांग्रेस का हाथ आज विदेशी कंपनियों के साथ है। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी वॉलमार्ट सहित विदेशी कंपनियों का एजेंट हो चुकी है। रामलीला मैदान में आज जो रावण लीला कांग्रेस कर रही है, देश के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, अब इसका वही अंजाम होगा जो रावण का हुआ था हिंदुस्तान में। क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी यदि विदेशी कंपनियों के एजेंट की तरह व्यवहार करे तो राष्ट्रहित से ऊपर, आम आदमी से ऊपर, जिसके लिए विदेशी कंपनियों का हित सर्वोपरि हो गया हो, ऐसी राजनीतिक पार्टी को इस देश में राजनीति करने का अधिकार नहीं। और जिस राजनीतिक पार्टी को 50 करोड़ के करीब पूर्ण रूप से जो देश के लोग बेरोजगार, उनकी चिंता नहीं, एक हेराल्ड नाम के अखबार को अपने राजनीतिक पार्टी के फंड से पैसे दे दिए जाते हैं कि वहां के 700 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, 50 करोड़ के करीब लोग आंशिक या पूर्ण रूप से बेरोजगार, उनकी चिंता आम आदमी की चिंता कांग्रेस को नहीं। यह राजनीतिक फंड का दुरुपयोग ही नहीं है। हम तो चुनाव आयोग से यह आग्रह करेंगे कि टीएन शेषन की तरह वो हिम्मत दिखाएं और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दी है इस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द करने की, उस दिशा में गंभीरता से काम करें। क्योंकि चुनाव आयोग वो एक संवैधानिक संस्था है और कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी के ऊपर उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए इस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए। भाई अशोक खेमका जी ने प्रशासनिक सेवाओं में एक आदर्श भूमिका निभाई। वो एक रोल मॉडल है, आइकॉन है वर्तमान भारत के ईमानदार देशभक्त अधिकारियों, और उनके ऊपर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है गुंडों के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में यदि सच का गला घोटा जाएगा तो फिर सत्य कैसे बच पाएगा, कानून और संविधान की रक्षा कैसे होगी। इसलिए आज तक इस पार्टी ने यही किया, पहले 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों के साथ धोखा किया, फिर महात्मा गांधी जी के साथ धोखा किया, और उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी के साथ में, लोहिया जी के साथ में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में, फिर गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के साथ में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में, जिन्होंने भी इनकी गलत नीयत और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, उसको षड्यंत्र करके या तो दबा दिया या दफना दिया, मिटा दिया। अब ये इनके क्रूर जो साजिशें हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए और इस पार्टी के पापों के ऊपर अब लगाम लगानी चाहिए। इजी मनी, इजी पॉपुलर होने के तरीके, इजी एस्टेब्लिशमेंट होने के तरीके कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हमारे यहां। हमारे यहां बोला जाता है अपनी लकीर बड़ी करो। जहां जहां देश में गंदगी है, पाप है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर जरूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अपनी लकीर इतनी बड़ी करनी चाहिए कि लोग कहें भाई बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमें अपने काम से आगे बढ़ना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे इजी धन कमाना, ऐसे ही कोई जो नुक्ते ढूंढे जाते हैं कि हम रातों रात भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंच जाएं, ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया के इतिहास में, देश के इतिहास में। इसलिए हमें इजी तरीके ढूंढने के बजाय अपने सेवा में, अपने आंदोलन में बिजी रहना चाहिए और जितना भी वक्त लगे हमको प्रामाणिकता के साथ काम करना चाहिए।
पहले गुजरात जीतने की बारी है, उसके बाद में देश की तैयारी है। पहली बात तो लोग घरों से बाहर निकले वोट करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। लोगों की अज्ञानता और उदासीनता के कारण से जब तक लोग वोट नहीं करेंगे तब तक ये राजनीति की खोट दूर नहीं होगी। इसलिए लोग घरों से बाहर निकलें और इस कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक बहिष्कार करने के लिए, उनको जो हरा सके उसको वोट देने के लिए लोगों को घरों से बाहर जरूर निकलना चाहिए। क्योंकि केवल पाप करने वाला ही पापी अपराधी नहीं होता है, वो पाप यदि हमारी आंखों के सामने पनपता है और हम उसका मौन समर्थन कर देते हैं या उसको पनपने देते हैं तो भी हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। पूरे राजनीति के संधियारे में गुजरात एक रोशनी का काम कर रहा है। माना कि कुछ गलतियां यहां पर भी हो सकती हैं, लेकिन 24 घंटा बिजली और सड़कों से लेकर के शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के सभी क्षेत्रों में जो गुजरात ने विकास किया है वह अपने आप में एक नजीर है राजनेताओं के लिए। और अच्छा कोई काम करता है तो उसकी बड़ाई सभी लोगों को करनी चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को भी बहुत कुछ सीखने जैसा गुजरात है।